गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सीबीएसई बोर्ड क्लास 7। आज हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में पहला चैप्टर है भाषा, लिपि और व्याकरण। आज हम लोग जानेंगे भाषा क्या है, लिपि क्या होती है और व्याकरण क्या होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं भाषा क्या है। ठीक है, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, वह भाषा है। भाषा के माध्यम से ही हम आपकी कुछ विचार, आपकी कुछ बातों को और आप कुछ हमारी कुछ बातों को समझ पाते हैं। कह रहा है वह साधन जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों के विचारों को सुनते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं, भाषा कहलाता है या कहलाती है। जैसे बच्चे टेलीफोन पर एक दूसरे से बात करते हैं, यह भाषा का माध्यम। अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही होती है, ये भी। दादी बच्चों को कहानी सुना रही है, ये भी भाषा है। लड़की गाना गा रही है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, राजू पढ़ रहा है, ये सब क्या है? भाषा के विभिन्न रूप हैं। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर, लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों की बातों को सुनकर, पढ़कर, समझते हैं, उसे भाषा कहा जाता है। देखिए भाषा के रूप, जैसा कि आप जानते हैं भाषा के दो रूप दिए गए हैं। भाषा के दो रूप हैं, पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। इन दोनों को मान्यता प्रदान की गई है। इसके अलावा भी एक और होता है, क्या? सांकेतिक भाषा। संकेतिक भाषा इसको मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन होती है। देखिए भाषा के दो रूप, मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसके द्वारा जब हम बोलकर अपनी बातों को दूसरों के सामने रखते हैं, वह मौखिक भाषा होती है। जैसे कोई अध्यापक पढ़ा रहा है, आवाज लगा रहा है, कोई भाषण दे रहा है, गाना गाना, सुनना आदि, ये सब क्या है? मौखिक भाषा है। अर्थात मौखिक भाषा क्या है? जब हम बोलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वही मौखिक भाषा है। लिखित भाषा क्या है? जब हम लिखकर कोई बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो वह लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पत्र लिखना, कहानी लिखना, ब्लैक बोर्ड पर लिखना, संवाद लिखना, सूचना लिखना आदि, या लिखित भाषा। उसी प्रकार एक और होती है, क्या? संकेतिक भाषा। ये तीसरा इसका रूप है, लेकिन इसको मान्यता नहीं मिली इसलिए यहाँ पर नहीं। लेकिन संकेतिक भाषा क्या होती है? जब हम संकेत में किसी से कोई बातचीत करते हैं, जैसे संकेत के माध्यम से किसी को पास बुलाना, किसी को दूर भेजना, उठने बैठने के लिए संकेत के माध्यम से कहना, ये सब संकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। देखिए अभय बोली, गांव में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। गांव में या किसी विशेष सीमित क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, उसे हम बोली कहते हैं। कुछ भाषाएं ऐसी होती है कुछ क्षेत्रों तक सीमित होती हैं, उसे ही हम बोली कहते हैं। यह एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित होती है, इसलिए इसे भाषा नहीं कहा जा सकता है। भाषा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है, लेकिन बोली का क्षेत्र क्या है? बहुत सीमित है। कुछ विशेष क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? बोली। यह भाषा कुछ किलोमीटर के बाद बदल जाती है, अर्थात कुछ दूरी पर जाएंगे कुछ अलग बोलियां हमें बोलने। इधर जैसे अभी हम बना यहाँ इलाहाबाद में रहते हैं, इलाहाबाद से आगे बनारस तरफ जाएंगे और उससे आगे जाएंगे बलिया, बिहार तरफ, थोड़ी थोड़ी दूरों पर जाते रहेंगे, तो उससे की भाषाएं हमें क्या होंगी? बदली बदली भाषा लगेगी और भाषा बदल जाएगी। भोजपुरी मिलेगी, अवधि मिलेगी और बिहारी भाषा, इस प्रकार की भाषा सुनने को मिलेगी। क्या इसे क्षेत्रीय भाषा अर्थात बोली कहा जाता है? जो भाषा एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, उसे बोली या क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। देखिए भाषा और बोली में अंतर क्या होता है? जैसा पहले ही बताए, भाषा का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, अर्थात बहुत फैला हुआ होता है, जबकि बोली का क्षेत्र जो है वो सीमित होता है, एक सीमित क्षेत्र तक होता है, एरिया तक होता है बस। भाषा में साहित्य की रचना होती है, बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है। भाषा का प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में किया जाता है तथा सरकारी कामकाज में भी प्रयोग किया जाता है। बोली का क्षेत्र छोटा है, इसका प्रयोग बोलचाल के लिए किया जाता है, सरकारी कामकाज में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है।
जैसा कि अभी बताए, अभी कहते कि इधर अयोध्या तरफ या फैजाबाद तरफ अवधी भाषा बोली जाती है, तो इसको सरकारी कामकाज ले लें, नहीं हम कहीं भी जाते हैं सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा का प्रयोग मिलता है। ये मातृभाषा क्या होती है? कक्षा के कुछ विद्यार्थी अपने घर में पंजाबी है, जहाँ पर जो जन्म लेता है जिस भूमि पर, वहाँ की जो भाषा होती है वो क्या होती है? मातृभाषा कहलाती है। कुछ विद्यार्थी जैसे आप लोगों में से कुछ लोग पंजाबी, घर में पंजाबी, हिंदी, तमिल, डोगरी, बंगाली, मराठी आदि भाषाएं बोलते हैं। बच्चा जो भाषा अपने घर परिवार या माता पिता के साथ बोलकर सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे हम या आप कहीं भी अपने विशेष क्षेत्र में जहाँ जन्म लिए हैं वहाँ की भाषा कुछ दूसरी हो, जैसे पंजाब में है, पंजाब में रहते हैं और वहाँ से यहाँ आए, यहाँ तो स्कूल आते हैं तो हम लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन घर में रहते हैं तो हम लोग पंजाबी बोलते हैं, तो पंजाबी हमारी क्या हो गई? मातृभाषा हो गई। देखिए इसी तरह है राष्ट्रीय भाषा। क्या है? राष्ट्रीय भाषा भारत के अत्यधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली, भारत के अत्यधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा है। अर्थात जितने बड़े क्षेत्रों में, ज्यादा क्षेत्रों में बोली जाती है उसे ही राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 343 के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 14 सितंबर 1949 को इसे राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता मिली है। इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा को मातृभाषा भी कहते हैं कि जिन राज्यों में यहाँ मातृभाषा नहीं वहाँ इसका प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में हुआ है। अर्थात जिन राज्यों में हिंदी को मातृभाषा नहीं कहती वहाँ इसको संपर्क भाषा कहते हैं। संपर्क भाषा यानी एक दूसरे से संपर्क में जिसमें से आते हैं, रहते हैं, साथ ही। आगे है, अनेक विद्यालयों तथा विश्वविद्यालय में हिंदी माध्यम से शिक्षा दी जाती है। हिंदी माध्यम से शिक्षा दी जाती है अनेक विद्यालयों में, विश्वविद्यालय में, यहाँ आप जानते हैं भली भांति। हिंदी का साहित्य अत्यंत समृद्ध है, हिंदी का साहित्य अत्यंत मजबूत है, समृद्ध है। विदेशों में भी लोग हिंदी पढ़ने की, पढ़ने और पढ़ाने दोनों की व्यवस्था है, और लोग देश विदेशों से यहाँ भी पढ़ने आते हैं। कह रहा है कि भारत के संविधान में कई भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। पहले 15 भाषाओं को, फिर 18 भाषाओं, पहले 15 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, फिर 18 हुआ और अब कितना है, 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया, जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी, असमिया, संस्कृत, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोकरी, मैथिली, मराठी, मलयालम, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु आदि। इन 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई। विश्व के अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। आज हिंदी संसार में सबसे अधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुकी है। अनेक देशों में विश्वविद्यालय खुले हुए हैं जहाँ पर हिंदी की पढ़ाई की जाए, पठन पाठ किया जाता है। सांकेतिक भाषा बता ही चुके हैं। मूक बधिरों की अपनी भाषा होती है, जो मूक बधिर अर्थात जो बोल नहीं पाते हैं ये संकेतों के द्वारा अपनी बात करते हैं। यातायात विभाग के भी संकेतों द्वारा ही नियम, आप लोगों ने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस को खड़े होकर ऐसे 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 करते रहते हैं, ये संकेतिक भाषा होती है। कई बार हम भी इशारों में अपनी बात कह जाते हैं, परंतु अभिव्यक्ति इस माध्यम को भाषा की मान्यता नहीं देता है। तो ये थी भाषा, हमने पढ़ा भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा क्या होती है, बोली क्या है, मातृभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है। इनको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा फिर से दोबारा अच्छे से। इसके अलावा आप आगे पढ़ेंगे लिपि, और इन्हीं भाषाओं को लिखने का जो तरीका होता है वही क्या है, लिपि। किसी भी भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन निर्धारित चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। किसी भाषा को लिखने के लिए हम चिन्हों का उपयोग करते हैं और इन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। किसी भाषा को लिखने वाले ध्वनि चिन्हों को लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे पंजाब में, पंजाब राज्य में कौन सी भाषा है, पंजाबी लिपि क्या है, गुरुमुखी। उत्तर प्रदेश में हिंदी, देवनागरी अर्थात हिंदी की, हिंदी भाषा की लिपि क्या है,
देवनागरी है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ना है, आपको पढ़ लीजिएगा। देखिए आप भाई व्याकरण क्या दिया हुआ है, व्याकरण, व्याकरण क्या होता है, भाषा के शुद्धतम व्यवहार के कुछ नियमों की आवश्यकता होता है, अर्थात भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलने का तरीका होता है वह हम कहाँ से सीखते हैं, व्याकरण से, अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध लिखना पढ़ना और बोलना सिखाता है। देखिए भाषा के शुद्ध व्यवहार के लिए हमें कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, ये नियम हमें व्याकरण द्वारा ही ज्ञात होते हैं। हम अपने विचारों को वाक्य या सार्थक शब्दों के द्वारा प्रयोग करते हैं, वाक्य बनाते समय हमें विभिन्न शब्दों का व्यवस्थित करना पड़ता है, छोटे छोटे शब्दों को सही ढंग से लगा के एक नए वाक्य बनाते हैं और फिर हम जाकर बोलते हैं, तभी वाक्य अर्थपूर्ण बनते हैं। जैसे कि वाक्य में कर्ता कर्म और क्रिया पदों का निश्चित स्थान होता है, इस सब का ज्ञान हमें व्याकरण से ही प्राप्त होता है, व्याकरण ही हमारे विचारों को व्यवस्था प्रदान करता है, अतः व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान करवाता है। व्याकरण द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और पढ़ना और लिखना सीख जाते हैं। जैसे मुझे कुछ खाने को दो, अगर कोई वाक्य हो मुझे कुछ खाने को दो तो आपको ये कैसा लगेगा, जैसे मेरे को कुछ खाने को दो, ये आपका अशुद्ध वाक्य, अब मुझे कुछ खाने को दो, इन वाक्यों में अशुद्धियां या अशुद्धियां व्याकरण द्वारा ही शुद्ध की जाती हैं, अर्थात हमें जब तक व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तब हम वाक्यों में शुद्ध और अशुद्धियों का ज्ञान नहीं कर पाएंगे, कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। अब ये वाक्य व्याकरण के नियमों बदलने के कारण शुद्ध और सरल बन गए हैं, जो आसानी से समझ में आ रहे हैं, अतः व्याकरण भाषा को व्यवस्था और अनुशासन प्रदान करता है। परिभाषा, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध बोलना पढ़ना और लिखना सिखाता है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध बोलना पढ़ना और लिखना सिखाता है। व्याकरण के तीन भाग होते हैं, वर्ण विचार, इसमें वर्णों व अक्षरों के आकार स्वरूप भेद विचार आदि के विषय में विचार किया जाता है। व्याकरण के तीन भाग, वर्ण विचार, व्याकरण के तीन भाग बताया है कौन कौन सा, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण के तीन रूप बताए, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसमें वर्णों व अक्षरों के आकार स्वरूप भेद विचारण आदि के विषय में विचार किया जाता है। शब्द विचार, इसमें शब्दों के स्वरूप भेद बनावट आदि विषय विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इसमें वाक्य रचना, वाक्य भेद, वाक्य संबंध, विराम चिन्ह आदि के प्रयोग में किया जाता है। देखिए साहित्य क्या है, ज्ञान का संचित कोष, अर्थात भाषा का जितना हमें ज्ञान होता है उस ज्ञान को इकट्ठा करना, संचित करना, वही क्या कहलाता है, साहित्य कहलाता है। और उस ज्ञान को हम संचित कैसे कर सकते हैं, लिखकर, उस ज्ञान को हम लिखित रूप देकर साहित्य बनाते हैं, वह साहित्य कहलाता है। ज्ञान की बातों को भाषा के ज्ञाता विद्वान तथा शिक्षाविद लिखकर अपने पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख देते हैं, इस प्रकार साहित्य ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है। विज्ञान, नृत्य, कविता, संगीत, इतिहास, भूगोल, लघु कथा, कहानी, उपन्यास आदि सभी विषय ज्ञान के भंडार है। साहित्य का कार्य है सभी को साथ लेकर मानव कल्याण कार्य करना। देखिए भाषा, परिभाषा, किसी भाषा के ज्ञान के संचित को उसको साहित्य कहते हैं। अपनी बात को कहने के अनेक ढंग होते हैं, इन्हीं ढंगों को साहित्य की विधा अथवा शैली लिखा जाता है। मूल रूप से साहित्य की दो शैलियां हैं, पद्य और गद्य। पद्य के अंतर्गत जैसे रहीम दास के दोहे, कबीर दास के दोहे, तुलसीदास के, इसी प्रकार तुलसीदास के आपने उन्होंने रामचरितमानस में दोहे, चौपाइयां आदि सब पढ़ा होगा, ये सब पद हैं। और ये हम भी अपनी बातें पद के द्वारा कह सकते हैं, छोटी छोटी कविताएं लिखकर, छोटी छोटी दोहे लिखकर, काव्य लिखकर। और गद्य क्या होता है, गद्य के अंतर्गत हम कहानियां लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, पत्र आदि।
आइए कुछ रिवीजन कर लेते हैं। व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान करवाता है। व्याकरण हमें क्या करवाता है? भाषा का शुद्ध ज्ञान। व्याकरण के तीन भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक विचार। लिखित भाषा में जिस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहा जाता है। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जो भाषा एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। इसके को रही बात क्वेश्चन आंसर की, क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम, और इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ओके।